सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और धारा 3D की अधिसूचना जारी होने के बाद किए गए हैं। बैनामों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है। तत्कालीन मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट में CBI या अन्य किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर आगे विचार होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए गाजियाबाद के ग्राम डासना, रसूलपुर, सिक रोड, कुशलिया तथा नाहल में अधिग्रहित भूमि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मेरठ के तत्कालीन मंडलायुक्त प्रभात कुमार से इसकी जांच कराई गई है। मंत्री ने बताया कि इस मामले में गाजियाबाद के तत्कालीन DM विमल कुमार शर्मा और निधि के सरवानी व अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। होमगार्ड की फर्जी तैनाती दिखाकर वेतन निकालने वाले घोटालेबाजों के सबूतों को नष्ट करने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मामले में DGP OP सिंह ने कहा कि सुनियोजित तरीके से सबूतों को नष्ट करने के लिए आग लगाई गई है, जिसके मद्देनजर मामले में गुजरात की फॉरेंसिक टीम बुधवार को जांच के लिए नोएडा के सूरजपुर होमगार्ड कमांडेंट ऑफिस पहुंच रही है। साथ ही DGP ने बताया कि होमगार्ड मास्टर रोल घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 24 घंटे में तत्कालीन कमांडेंट होमगार्ड राजनारायण चौरसिया, ADC सतीश, प्लाटून कमांडर शैलेंद्र मोंटू और सतवीर की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि मामले में CM योगी ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर 5 की गिरफ्तारी की गई है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। गौरतलब है कि होमगार्डों की फर्जी ड्यूटी दिखाकर करोड़ों का वेतन भुगतान करने के मामले में घोटालेबाजों ने सोमवार को सबूत मिटाने के लिए होमगार्ड कमांडेंट के दफ्तर में ही आग लगा दी, जिसमें घोटाले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि 7 दिन पहले ही यह घोटाला सामने आया था, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिले के मदोहागंज थाना क्षेत्र के बखौली बरबटापुर गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 2 सगे भाई समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत से परिवार समेत जिले में कोहराम मच गया। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजली विभाग में PF घोटाले के बाद एक दूसरा महा घोटाला सामने आया है। खबर बलिया से है, जहां 1 अरब से अधिक के GPF का मामला संज्ञान में आया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा परिषद के 91 प्राइवेट स्कूलों के भविष्य निधि के जमा 1,14,10,92,024 रुपए में से कोषागार में 31 मार्च 2017 तक GPF मात्र 5,14,29,764 रुपए बचे हुए हैं, जबकि 1,000 करोड़ का देयक है। आपको बता दें कि बलिया कोषागार से 1,08,96,62,260 रुपए का पता नहीं है, जिसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय ने पत्र लिख कर दी। वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से यह अपील की गई है। तो यूपी में दूसरा महाघोटाला सामने आया है। बलिया से पूरी खबर, जहां भास्कर मिश्र PCS जिला विद्यालय निरीक्षक हैं बलिया से, वहां पर जहां 1 अरब का पूरा कोषागार से ये रुपए गायब हैं। ये रुपए कहां चले गए, इसका कोई अता पता नहीं है। और ये घोटाले एक के बाद एक, जब DHFL का मामला आया, उसके बाद से फिर होमगार्ड के घोटालेबाजों का मामला सामने आया, उसके बाद से अब बलिया से ये कोषागार से 1 अरब, लगभग 1 अरब के आसपास का ये पूरा
जो घोटाला है ये है, उतने रुपए कहाँ चले गए कोषागार से, कितने दिनों तक ये घोटाला चल रहा था, कितने दिनों से इन सब की रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की बात कही जा रही है। सोनभद्र के 54 सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में नगर पंचायत कार्यालय चौपन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के नेता एकजुट होकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर 2018 को चेयरमैन चौपन इम्तियाज अहमद की हत्या होने के चलते चौपन नगर पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी खाली चल रही है। एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं कराया गया, इसको लेकर संघर्ष मोर्चा ने संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मोर्चा के सदस्यों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द चौपन में चेयरमैन का चुनाव कराया जाए, जिससे चौपन की जनता का विकास हो सके। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम जिले में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। मैनपुरी के लल्लूपुरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों में घायलों को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। उपचार के दौरान पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दोनों बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई थी, उसके बाद से तेज रफ्तार बाइक थे और उसके बाद से एक की मौत हो गई और दो घायल हैं। एक के शिनाख्त यानी कि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने उसको भेज दिया है, साथ ही दो घायलों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। तेज रफ्तार के लिए जहां पर ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, सरकार सख्ती से कदम उठाते हुए नजर आए। कई गुना मतलब जो पेनाल्टी चार्जेस हैं उसको और ज्यादा बढ़ा दिए गए, जिस वजह से लोगों में ये सतर्कता बढ़े और लोग समझें कि हेलमेट और तेज रफ्तार हेलमेट पहनकर चले, अपनी जान की सुरक्षा खुद करें और तेज रफ्तार बिना चले। लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जब खाली सड़क पाते हैं तो ऐसे रफ्तार में बाइक चलाते हैं या फिर कहें गाड़ी चलाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो उनके जान के लिए ही कहीं ना कहीं खतरा है। और आज यही खबर जो है मैनपुरी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार के चक्कर में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत, एक की मौत हो गई है, दो युवक जो है वो घायल हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज पुलिस ने पहुंचा दिया है और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए एक के शव को भेज दिया गया है। मामले की छानबीन उसके बाद पुलिस कर रही है। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार आवारा जानवर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी थाना पुलिस को दे दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल शिकोहाबाद पहुंचाया, जहां इमरजेंसी के तैनात CMS ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति की जेब से एक आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला है, लेकिन अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर सोनभद्र के विठमगंज थाना क्षेत्र के छतरपुर से है, जहां सड़क हादसे में घायल अधेड़ की लोठी जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अधेड़ को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विठमगंज में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल जाते समय घायल अधेड़ की नब्ज टूट गई और लोठी, जिला अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सीएम योगी की लाखों प्रयासों के बावजूद यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला बिजनौर का है, जहां सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ित किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पीड़िता की बहन की तरफ से दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक फांसी लगाने से 30 मिनट पहले ही पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को कॉल करके बताया था कि उसके साथ गांव के ही दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिससे आहत होकर वह आत्महत्या कर रही, जिसके बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीते 4 नवंबर को मोहनलालगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल की चोरी के आरोप में एक युवक को जेल भेज दिया था, जिसके बाद परिजन युवक को बेगुनाह साबित करने के लिए आला अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा मोटरसाइकिल चोरी में शामिल नहीं था। बता दें कि पुलिस असल मुजरिम को छोड़कर उनके बेटे को पकड़कर ले गई है और मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जेल भेज दिया है, जबकि चोरी करते वक्त राहगीरों ने जिन दो लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, पुलिस ने पकड़े गए एक अभियुक्त को छोड़ दिया और उसकी जगह उनके निर्दोष बेटे को फर्जी तरीके से चोरी का खुलासा करते हुए जेल भेज दिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया वॉच। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट।
इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी। दूसरी तरफ यूपी के बिजनौर में किसान बेखौफ होकर खेतों के अवशेष को जलाने में लगे हुए हैं। किसानों को जनहित की कोई चिंता नहीं दिख रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही जिले के गुलाल वाली जंगल में किसान के खेत में पराली जलाने के मामले में जिला प्रशासन ने किसान गुरमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के दौरान डीएम रमाकांत पांडे ने स्टेज से किसानों से आह्वान किया कि वह अपने खेतों पर पराली न जलाएं, इससे वातावरण दूषित हो रहा है जो कि इंसान के जीवन के लिए घातक है। जनपद बिजनौर के ग्राम प्रधानों की एक बड़ी बैठक यहां बुलाई गई थी, जिसमें दो मकसद थे, दो उद्देश्य थे। पहला मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ग्राम प्रधानों के माध्यम से अपने किसानों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वो पराली या किसी भी प्रकार का फसल अवशेष न जलाएं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। हमने ये प्रयास किया कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से सभी किसानों को और सभी जन सामान्य को भी इस बात के लिए जागरूक करें कि वो कूड़ा भी न जलाएं और किसी प्रकार का धुआं या धूल से पर्यावरण प्रदूषित न हो, इस बात का प्रयास करें। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्कूल बस ने रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का डीजल खत्म होने के चलते बस बीच रास्ते में बंद हो गई थी, जिसे रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों बसों को रास्ते से हटवाया। बताया जा रहा है कि स्कूल बस बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रही थी। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिजनौर में देर रात एडीजी और अन्य दो अधिकारी सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। तकरीबन एक घंटे तक बिना फोर्स के सड़क पर उतरे आईपीएस अधिकारियों को देखकर लोग चौंक गए। साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की काफी तारीफ की। आईपीएस अधिकारियों ने करीब एक घंटे तक नगर की सड़कों पर मार्च कर शहर की स्थिति का जायजा लिया। वहीं पैदल फ्लैग मार्च के दौरान जनता ने पुलिस अफसरों से सीधे बात की और कई सुझाव लिए। इसके बाद एडीजी ने बताया कि जिले की पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है। साथ ही एसपी नगर में बनाए गए पुलिस मित्र भी काफी अच्छे से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजनौर जिले की जनता ने त्योहारों पर पुलिस का साथ दिया, उसके लिए वो जिले की जनता का के भी आभारी हैं। महोबा में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डीएम और एसएसपी सीओ ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में डीएम एसपी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।
कासगंज में एक 12 वर्षीय किशोरी के बेचे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के पति ने अपनी बच्ची को 60,000 रूपये लेकर 2 माह पहले बेच दिया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के ओंछा थाना क्षेत्र में एक नव विवाहिता को दहेज के खातिर मौत के घाट उतार दिया गया और गुनाह छुपाने के लिए फांसी के फंदे पर लटकाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता के ससुराल वाले आए दिन मोटरसाइकिल के लिए उसे परेशान करते थे। फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉच।